वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। हर पल की खबर आप तक, आइए देखिए आज की ताजा खबर। हमारी पार्टी के सीनियर हायर साबिका सुप्रीम चेयरमैन बहादुर जोड़ा इंचार्ज अली जमा मेरी मैथिली वासी साहब डाइस शशि शर्मा मोहम्मद आरिफ उद्दीन साहब हज कमेटी मेंबर और सीनियर कायद रहीमुल्ला खान नियाजी साहब साबिका सदर नशीन उर्दू अकेडमी और हमारी पार्टी के बुनियादी सतह से मेन कमेटी में स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले नदी साहब तमाम से और लाखों थोड़ा इंचार्ज हमारे शबीर भाई और खबर साहब और हमारे जहूर हुसैन साहब सत्तार गुलशनी साहब और दीगर मेरे तमाम भाइयों को तकरीबन को भी चाहता हूं नाम दे सकता हूं लेकिन वक्त भी ज्यादा नहीं है। मैं आप तमाम का खैर मकदम भी करता हूं आपको मेरी जानी से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बेइंतहा अफसोस की बात रही कि कल एक बाबा अहमद हुसैन साहब ने फोन कर एक शाप दिया कि मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब का इंतकाल है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं सुने कि सलीमुद्दीन साहब कुछ बीमार है या हॉस्पिटल में एडमिट है। इंतहाई हैरत की बात रही क्योंकि एक दिन या दो दिन पहले भी हमारी मुलाकात दो दिन पहले भी हुई थी। अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे और हमारी परवरदिगार आलम से बारगाह रब्बुल इज्जत ने यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दर्जात को बुलंद करें और मौत के बाद के तमाम मरहल में इनके लिए आसानी अता फरमाए और खुसूसन खबरों के अजाब से महफूज फरमाए और आखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। हशर के रोज अल्लाह ताला उनका अमाल नामा उनके दायने हाथ में नसीब फरमाए और उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जदील अता फरमाए क्योंकि हमारे लिए तो इंतहाई एक चौंका देने वाला वाकया रहा है क्योंकि सलीम साहब बिल्कुल पुराने सीनियर लोगों के बहुत ही करीब रहे इसलिए हम बेइंतहा उनको चाहते थे और उनके साथ वक्त भी गुजारते थे क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया रहा हमारे लिए। इसकी भरपाई तो कोई दुनिया में कर तो नहीं सका क्योंकि दुनिया में हर एक को जाना है सो फानी है किसी का आज और किसी का कल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पहले बुला लिया हो सकता आने वाला दिन हमारा हो तो हमें मौत से पहले मैं तो यही कहूंगा कि मौत की तैयारी भी कर ले क्योंकि हमें वो जिंदगी बाकी रहने वाली जिंदगी और ये खत्म होने वाली है। और जहां तक टीआरएस पार्टी में उनकी कुर्बानियों का सवाल है उसको तो हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने आंखों से देखा है तेलंगाना की जदोजहद जब उरूज पर आई थी वो इतनी जहीफी उम्र में भी एक आरटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉई होने के बावजूद भी फिर आप नौजवानों से ज्यादा रोल अदा करते रहे और हर स्ट्राइक हमला में शामिल है सभी ये इस बात से वाकिफ भी है और तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉई चैक के कन्वीनर भी रहे इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तेलंगाना तहरीक के नासिर तो सीमा सालार थे मैं तो समझूंगा कि वो मुजाहिदे तेलंगाना भी रहे और अल्लाह उनके अच्छे कामों को देखते हुए अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे और अभी इससे ज्यादा हमारे लिए अफसोसनाक वाकया कोई नहीं है और मैं समझता हूं पार्टी की हाईकमान तक भी ये नॉलेज जा चुकी है क्योंकि मुझे भी एक फोन आया था के डी आर साहब के ऑफिस से ये पूछा गया कि ये सही है गलत है कि सलीम साहब का इंतकाल हुआ और मैंने तो फोटो के साथ तमाम चीजें व्हाट्सएप पे डाल बोले तो डाल भी दिया और मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन तो पूरी मिल गई और
पार्टी हाईकमान तक तो इस बात को जा चुकी है और बाकी साथ जो अपना कीमती वक्त निकालते हुए पुराने लोगों की याद के लिए यहाँ पर सबको मदू किया, अल्लाह इनके भी इस अमल को कबूल फरमाए। और क्योंकि हम रहते हैं एक दिन में दो दिन में सब भूल जाते हैं, लेकिन किस मौता में आते हैं तो बातें करते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके का सबको जमा कर कर एक उन्हें कंडोलेंस पेश करना ये सबकी बात नहीं। जो लोग एक तहरीक होते हैं, जो लोग एक अंजुमन होते हैं, वही लोग इसकी कदर जानते हैं और वही लोग ये प्रोग्राम कर सकते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है, सिर्फ बैठकर आज व्हाट्सएप पे एक फोटो लगाकर शेयर कर लेना ये काफी नहीं, लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम रखकर खुद का पैसा निकाल कर रखकर ये सब लोगों को जमा करना ये वाकई साहब के अल्लाह ताला इनको इस अमल के बदले तरक्की अता फरमाए, मैं तो यही समझूंगा। और मैं क्योंकि पार्टी हाईकमान को इंशाल्लाह सीनियर लोगों के साथ क्योंकि कल होम मिनिस्टर मोहम्मद मंजूरी साहब भी बता रहे थे इंशाल्लाह इनकी फैमिली के लिए कुछ करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग भी सबके साथ ताउन करते हुए उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। और हो सका तो मैं ये कहूंगा वाकई साहब से पार्टी हाईकमान को जो देना है देगी, आप एक छोटा सा एक स्टेप लीजिए, उनके लिए एक फंड जमा कीजिए। मैं समझता हूँ ना सिर्फ कोशिश करेंगे तो कम से कम है ज्यादा की तो नहीं कहूंगा एक आध लाख को जमा हो जाएंगे, मैं समझता हूँ तो ज्यादा भी नहीं कहूंगा कि एक आध लाख को कैसा भी जमा होगा, आखिरी साहब कोशिश करेंगे तो 5 लाख से कम नहीं होंगे ये मुझे उम्मीद है, लेकिन कम से कम 1 लाख तो होंगे। 1 लाख तो उनकी फैमिली के बड़े माने रखते हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान जो देती है ले दीजिए, मगर हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर कोई आगे बढ़ता है इसमें तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाने पर मैं वाकई साहब का तमाम सीनियर लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम को आला से आला मुकाम अता फरमाए। और उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जल्दी अता फरमाए क्योंकि हमारे लिए तो इंतहाई एक चौंका देने वाला वाकया रहा है, क्योंकि सलीम साहब बिल्कुल यानी सीनियर लोगों के बहुत ही करीब रहे, इसलिए हम बेइंतहा उनको चाहते थे और उनके साथ वक्त भी गुजारते थे, क्योंकि ये इंतहाई अफसोस नाक वाकया रहा हमारे लिए। इसकी भरपाई तो कोई दुनिया में कर तो नहीं सका क्योंकि दुनिया में हर एक को जाना है, सो पानी है, पर किसी का आज और किसी का कल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पहले बुला लिया, हो सकता आने वाला दिन हमारा हो तो हमें मौत से पहले मैं तो यही कहूंगा कि मौत की तैयारी भी कर ले, क्योंकि हमें वो जिंदगी बाकी रहने वाली जिंदगी और ये खत्म होने वाली है। और जहां तक टीआरएस पार्टी में उनकी कुर्बानियां का सवाल है उसको तो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आंखों से देखा है तेलंगाना की जदोजहद जब उर्स पर आई थी वो इतनी जयीफी उम्र में भी एक आरटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉई होने के बावजूद भी खुले आप नौजवानों से ज्यादा रोल अदा करते रहे और हर स्ट्राइक धरना में शामिल रहे, सभी ये इस बात से वाकिफ भी है और तेलंगाना आरटीसी एम्प्लॉई जायद के कन्वीनर भी रहे, इसको तो कोई इंकार नहीं कर सकता। तेलंगाना तहरीक के नासिर और सिपा सालार थे, मैं तो समझूंगा कि वो मुजाहिद तेलंगाना भी रहे और अल्लाह उनके अच्छे कामों को देखते हुए अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और हम इससे ज्यादा हमारे लिए अफसोसनाक वाकया कोई नहीं है और मैं समझता हूं पार्टी की हाईकमान तक भी ये नॉलेज जा चुकी है, क्योंकि मुझे भी एक फोन आया था के टीआर साहब के ऑफिस से, ये बोले ये पूछा गया कि ये सही है गलत है कि सलीम साहब का इंतकाल हुआ, और मैंने तो फोटो के साथ तमाम चीजें व्हाट्सएप पे डाल बोले तो डाल भी दिया और मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन तो पूरी मिल गई और पार्टी हाईकमान तक तो इस बात को जा चुकी है। अब आखिरी साहब जो अपना कीमती वक्त निकालते हुए पुराने लोगों की याद के लिए यहां पर सबको मदू किया, अल्लाह इनके भी इस अमल को कबूल फरमाए। और मैं तो खुशर क्योंकि हम रहते हैं एक दिन में दो दिन में सब भूल जाते हैं, लेकिन किस मौता में आते हैं तो बातें करते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके का सबको जमा कर
एक उन्हें कंडोलेंस पेश करना, ये सुख की बात नहीं। जो लोग एक तहरीर सीईओ साहब के जो है देने का मेमोरेंडम जो है दिया गया है, उसके ऊपर जो है एक्शन लेने के लिए कहा गया है। फिर जल्द से जल्द जो है हम लोगों को इसके ऊपर जो है वही साहब बोर्ड मेंबर के जरिए जो है इसको अपील कर रहे हैं हज हाउस में। हम लोग जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है हम लोगों को एक्शन लेने की जो है अपील करने के लिए कमिटी आई है। काफी हम बोर्ड मेंबर साहब हमारे अयूब भाई और जलील साहब की क्यादत में जो भी काफिला यहाँ पर आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अवामी नुमाइंदे नहीं बल्कि एक मुजाहिद है। ये लोगों ने वक्त जायदाद के लिए बहुत ही अच्छी कुर्बानी दी और वहां पर वक्त जायदाद सेव करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। काबिल सताइश है ये लोग, क्योंकि ये लोगों की वजह से वहां पर वक्त जायदाद खारिज हुई। लेकिन मसाइल दरपेश ये हुए कि उन पर जो क्रिमिनल केसेस बुक किए गए, क्योंकि वक्त जायदाद में जो लोग छेड़छाड़ कर रहे थे उसको इन्होंने हटाने की कोशिश करने पर जो केसेस बुक हुए, उसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी करूंगा और हो सका तो माइनॉरिटी कमीशन के जरिए भी इसके बारे में पूरा जो भी केसेस में ये लोगों के जो दलायल है इसको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह इस पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वक्त जायदाद को बराबर सेव किया जाएगा। आज ही सीओ साहब को भी मेरे साथ मिलकर ये लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और सीओ साहब ने भी इंस्पेक्टर को बागफ्ता फोन करते हुए ये काम दिए कि फौरी वहां की रिपोर्ट दी जाए और रिपोर्ट एक या दो दिन में दे दी जाए। और जो हमारा जो सर्वे चल रहा पूरा गूगल सर्च पर जैसा किया जा रहा है मैप में लेने के लिए, तो उसका भी वो भी इंशाल्लाह कल हमारे इंस्पेक्टर वहां पर आएगा, इंशाल्लाह जरूर वो करेगा। और ये वक्त जायदाद इंशाल्लाह जो खबरस्तान के तहत है इंशाल्लाह इसकी हिफाजत भी जरूर कराई जाएगी। इस पर तशरीफ फरमा हमारी पार्टी के सीनियर हायर साबिका सुप्रीम चेयरमैन भारतीय बोर्ड इंचार्ज हरी जना मायकली वाजी साहब, इस पर तशरीफ फरमा मोहम्मद आरिफ अदीन साहब कमेटी मेंबर और सीनियर हायर रहीमुल्ला खान नियाजी साहब साबिका सदर नशीन उर्दू अकेडमी और हमारी पार्टी के बुनियादी सतह से मेरी कमेटी में स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले नबी साहब हरमान सिंह और याकूबपुरा इंचार्ज हमारे शबीर भाई और खबर साहब और हमारे जहूर हुसैन साहब, सत्तार गुलशनी साहब और दीगर मेरे तमाम भाइयों को तकरीबन को भी जानता हूं, नाम ले सकता हूं लेकिन वक्त भी ज्यादा नहीं है। मैं आप तमाम का खैर मकदम भी करता हूं आपको मेरी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत ही बेइंतहा अफसोस की बात रही कि कल एक बाबा अहमद हुसैन साहब ने फोन कर एक शाप दिया कि मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब का इंतकाल हो, क्योंकि इससे पहले हम कभी नहीं सुने कि सलीमुद्दीन साहब कुछ बीमार है या हॉस्पिटल में एडमिट है। इंतहाई हैरत की बात रही क्योंकि एक दिन या दो दिन पहले भी हमारी मुलाकात दो दिन पहले भी हुई थी। अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे और हमारी परवरदिगार आलम से बारगाह रब्बुल इज्जत ने यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दर्जात को बुलंद करे और मौत के बाद के तमाम मरहिल में इनके लिए आसानी अता फरमाए और खुसूसन खबर के अजाब से महफूज फरमाए और आखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। हशर के रोज अल्लाह ताला उनका अमाल नामा उनके दाहिने हाथ में नसीब फरमाए और उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम दे।